ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, मुझे भी जरा एक्टिंग में चांस वांस दिलवाओ ना। हीरो तो तेरा भाई लग रहा है। अरे बाबा अच्छा, उसने मुझे बताया नहीं है, अभी खबर लेता हूँ बाबा। अरे बेवकूफ, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। कैसी लग रही है यार, सच बोलूं? अरे तो क्या झूठ बोलेगा? अरे बाबा, वो ये चाहता है कि हमारी दोस्ती खराब ना हो। बकवास करते हो, जलते हो तुम मुझसे। यार मजाक नहीं, बहुत बुरी लग रही है मुझे। अरे यार कहा भी था मेकअप मैन को सही से कर देना। अरे बाबा मुझे दो नजर पूछ, मैं लगा के देखूं कैसी लग रही है। है ना, अच्छी लग रही है ना बाबा। अच्छा बेटा, एल्फी लगा के ना दी मूंछ पे, तो निकालते निकालते बाल सफेद ना हो जाए तो कहना। अरे एक मिनट रुक, गोंद लगा दूं? हाँ बाबा लगा दो लगा दो, अच्छी चिपक जाएगी। ना बाबा दे, दे। अच्छा बाबा ऐसे ऐसे लगाते ना बाबा। बाबा अब देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। यार एकदम दबंग लग रहा है यार। वाकई बाबा? चल यार मूंछ तू रख, मेरे किसी काम की नहीं है, बेकार है मेरे। अच्छा यार मैं ये तेरा एहसान कैसे भूलूंगा बाबा, मेरी एक्टिंग की ख्वाहिश पूरी कर दी है तुमने। बच्चू वैसे तू मुझे मेरे जाने के बाद बहुत याद करेगा। क्या मतलब है बाबा? कुछ नहीं कुछ नहीं, चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह सही वाह, क्या मुझे है बाबा, मजा आ गया, मुझे हो तो बच्चू साईं जैसी। वाह बाबा ये मुझे, अरे बाबा ये मुझे, अरे बाबा ये मुझे उतरती नहीं है। जाने, अरे जानी बाबा मुझे नहीं उतर रही बाबा, जानी। और बहरूपिया चोर मालिक के रूप में नौकर के पास आता है, मगर नौकर अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल करते हुए इसको पकड़ लेता है। अरे बाबा जानी। अरे 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 बाबा जानी तो गांव में रहते हैं, कहें तो शाम की टिकटें करा दूं। अरे बाबा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो भाई और अंदर कैसे आए? अरे बाबा मैं हूँ बच्चू, क्या हो गया है जानी? जा बहरूपिये, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैंने बड़ी कहानियां पढ़ी, मेरा मतलब है मैंने बड़े बदमाश देखे हैं ऐसे। अरे बाबा क्या हो गया जानी, अपने मालिक को नहीं पहचानता? मैं हूँ बच्चू। तू मेरे हाथ से अब नहीं बच्चू। अरे बाबा क्या हो गया। और इस तरह शातिर मुजरिम ने सब घर वालों को लूट लिया और बासानी फरार हो गया। या अल्लाह, आज कल के हालात भी बिल्कुल छोरों की तरह हो गए, कब पता चले कुछ पता नहीं चलता। या अल्लाह रहम रहम, या अल्लाह। कौन 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 कौन? जानी जानी हूँ मैं, जानी। तो मैं पता नहीं है किसी चौकरी के पास आने से पहले क्या करते हैं। इस टाइम गुलदस्ता कहाँ से मैं लेके आऊँ? क्या मतलब है तुम्हारा जानी, इजाजत लेते हैं बाबा। तुम्हें इजाजत की पड़ी? अंदर डाकू आ गया, बगैर इजाजत के घर में घुस गया। डाकू? अभी तो एक है, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद गैंग को बुला लेगा वो। वो अंदर आया कैसे? अरे बच्चू भाई की भेस में आया वो। हाँ मैं कहने आया था फटाफट अपने कमरे में चली जाओ और लॉक कर लो, बाहर मत निकलना। ठीक है ठीक है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये बच्चू पता नहीं आज कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है अपने दोस्तों के साथ ही चला गया, वो भी मुझे बिना बताए। आ जाए आज ही, इसको इसी के तबेले में भैंसों के साथ नहीं बांधना तो मेरा नाम है सीमा नहीं। फोन करती हूँ। नंबर भी नहीं लग रहा। जानी से कहती हूँ आज जब ये घर आए ना तो दरवाजे ना खोले इसके लिए। जानी। अरे ये बाबा शेरियार की बात बताओ बाबा, मैंने मुझों में कैसा लग रहा तो चुबा, इस टाइम झूठ बोलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा।
अरे बाबा, ये जानी को क्या हो गया, पागल हो गया क्या? अपने मालिक बच्चों को नहीं पहचान रहा है बाबा, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे बाबा, मेरे मुंह पे मूछे लगी है इसलिए नहीं पहचान रहा है। कामा कहीं में डर रहा है बाबा मुझसे, देखो। ओहो, तो यहाँ छुपे हुए हो तुम। अरे तो कहीं भी चला जा दरिंदे, जानी की वो काबी निगाहों से नहीं बच सकता। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बाबा जानी, ये मैं बच्चू बाबा, ये नकली मूछे हैं। नकली है तो निकाल ले अपनी नकली मूछ और बचा ले अपनी जिंदगी। हाँ बाबा, एक मिनट। अरे अरे बाबा, ये नहीं निकल रही है जानी। कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? निकलेगा तो तू। नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, जानी जानी बाबा। अरे चक्कर आ गए भाई। नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, जानी। अरे ये तो अदा बच्चू की आवाज है, लगता है चोर पकड़ा गया। अदा बच्चू। अरे बाबा रोक रोक, जानी बाबा। अरे बाबा क्यों मार रहे बाबा, रोक। अरे रुक जाओ, रोक जाओ। अरे जानी बाबा रुक जाओ, रुको। अरे बाबा, अरे क्या हो गया? आवाज तो आधा बच्चों की लग रही है, लेकिन आधा बच्चू नजर क्यों नहीं आ रहा? आधा बच्चू नहीं है, डाकू है। आधा बच्चू का भेष बदल के ना हमको बेवकूफ बनाने आया है। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है जरीना, मैं डाकू 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 डाकू। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं। जानी, मैं तो समझी बच्चू है, ये तो डाकू है। सीमा मैडम, ये शातिर डाकू है। ये बच्चू भाई का बेस बदल के ना पूरे घर की सफाई करने आया था। देखा आपके जानी ने कैसा इसको पकड़ा। ये देखे जी, ये रहा डाकू। जानी, ये तो बच्चू ही है। बच्चू ही है? अच्छा, बच्चू भाई उठे, उठे बच्चू भाई। जरीना जी, मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुला इन्हें। शट अप, तुम्हें ये डाकू लग रहा था? हाँ ना, ये अदा का भेस बदल के आया है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? ये बच्चू ही है, इसका दोस्त आया था, यकीनन इसने उसी से मूछ लेके लगाई है। अरे बाबा, अरे बाबा मैं कहाँ हूँ? देखा मैडम, जो अपना घर ही ना पहचान रहा, कंफर्म रॉन्ग नंबर है। अरे नहीं बाबा, यानी मैं हूँ बच्चू बाबा, मैं बच्चू हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बच्चू ही हो, लेकिन ये मूछें कहाँ से आई? अरे बाबा, वो मेरा दोस्त आया था ना, वो लगा गया है। देखा देखा, मैंने कहा था ना। अदा, ये आप ही हो ना? जरीना, मैं ही हूँ बाबा। तो फिर ये मूछें क्यों नहीं निकल रही? अरे बाबा, वो इसलिए नहीं निकल रही कि वो मेरे दोस्त ने कोई पक्की वाली गोंद लगा दी है, वो जो फिल्मों में लगाते हैं। मैडम, मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ, ये रॉन्ग नंबर है। जानी, अब अगर तुमने रॉन्ग नंबर का नाम भी लिया ना, तो मैंने तुम्हारा वो फोन ही तोड़ देना है जिस पे रॉन्ग नंबर आ रहा है। अरे भला, ये अदा की नकली मूछें निकलेंगी कैसे? हाँ, कैसे निकलेंगी? अरे बाबा, नहीं निकल रही है, चिपकी हुई है बाबा, समझ नहीं आता है तुम्हें। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, बच्चू माए, बच्चू माए। ये माए से आगे बात क्यों नहीं करती हो तुम? अल्लाह, बच्चू माए के आगे तो तुम बताओ ना। अरे बाबा, माए से आगे? हाँ बाबा, माय लॉर्ड बाबा, कल ही एक अंग्रेजी फिल्म में देखा है। नहीं बच्चू, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाती हूँ? बाबा मुझे क्या पता तुम मुझे क्या कहना चाहती हो, बाबा बोलोगी तो पता चलेगा ना। बच्चू माए क्या कहती हूँ मैं? आ बाबा, बच्चू माए का बॉय। अरे बाबा, हाँ हाँ हाँ, शुक्र है। माँ, तुम भी मुझ पे शक कर रही हो ना? नहीं नहीं बच्चू, वो मैंने गुलदान मारा था ना सर पर, तो बस मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी याददाश्त कैसा काम कर रही है। अरे बाबा, मुझे सब याद है, सब। जैसे कि?
जैसा कि मेरी प्यारी वैसे गांव में। बच्चू, अब तो मुझे वाकई यकीन हो गया कि तुम्हारे यादाश्त बिल्कुल सही काम कर रही है। क्या हो गया, क्यों यक कर रहे मेरे घर वाले बाबा मुझ पे? जरीना, मेरा जेम साउंड वाला दिमाग कह रहा है कि ये बंदा रॉन्ग है। जानी, अगर भाजाई ने सुन लिया ना तो तुम्हारा मुंह समद बोन से चिपका देगी। समद बोन? क्या चिपकाना है? जरीना की चप्पल टूट गई थी तो समद बोन लाने का कह रही थी। समद बोन के सारे राइट्स वैसे भी इसी के पास तो हैं। वो कैसे? चिपकने में माहिर जो है, जब से इस घर में आई है जाने का नाम नहीं ले रही। भाजाई! जरीना, तुम तो खामोश रहो। सीमा मैडम, ये बताएं, बच्चू भाई की मुझे निकली कि नहीं निकली? नहीं जानी, मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही पक्के से चिपका दिए, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तुम इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि मूछे निकालने के लिए कुछ करना चाहिए। आखिर कब तक ये फूल झाड़ू जैसी मूछे लेके घूमते रहेंगे? मगर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उतर जाओ, क्यों नहीं उतरती है? तो भाई साहब, जैसा कि तय पा चुका है कि आप ही बच्चू साहब। अरे बाबा, तय क्या पा गया, मैं ही बच्चू। जी 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 जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। सीमा मैडम असल में कह रही थी कि ये जो सस्ते डाकू वाली मूछें लगाई हुई ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं जच रही, इनको निकाल दो। हाँ बाबा, मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ, अभी बाथरूम गया था, शीशे में देख के वापिस आ गया कि मुझसे पहले ही कौन मौजूद है। अरे जानी बाबा, ये क्या निकाल रहा है तुम? ये मूछे निकालने आया है या कोई बाथरूम का नल निकालने आया है? भाई साहब, आज या तो मूछे नहीं या आपने। क्या बात करता है जानी? जानी, ये अच्छा नहीं होगा जानी। रॉन्ग नंबर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह खैर करे। अरे जरीना, जरीना, अरे बाबा, अरे अरे अरे, अरे बाबा तू इधर है? अरे भला क्या हो गया, इतना हाथ पो क्यों रहे हो? अरे बाबा, वो जानी मेरे पीछे पड़ा है नट बोल्ट खोलने के लिए। अरे आप तो इंसानों को रिबोट नहीं, इंसान के नट बोल्ट नहीं होते हैं। लगता है सर पे बहुत गहरी चोट लगी है तुमको। अरे बाबा, मैं अपनी नहीं जानी की बात कर रहा हूँ बाबा। वो पानों से ना मेरे नट बोल्ट मूछे निकालने की कोशिश कर रहा है। अरे वो तो बेवकूफ है। वो तो है बाबा। अदा कुछ दिन पहले मैं टीवी देख रही थी, बाहर के जंगलात में आग लग गई है और उस आग ने सारे दरख्तों को राख बना दिया। अदा, मैं समझा नहीं कुछ, क्या कहना चाह रही है? अदा, जब आग ने सारे जंगल को जला दिया तो तुम्हारी ये पौधे जैसे मूछों की बला क्या औकात है, अभी देखो। अदा भाग क्यों गया? अरे भला इसकी मूछों ने जिंदगी अदा पकड़ दी है। अरे मेरा अदा। अरे बाबा, कौन है? आओ बाबा। अरे क्या हुआ बाबा, आप डर क्यों गई हैं? नहीं, आपकी मूछे देख के डर गई हूँ। अरे अरे, आप इन मूछों को छोड़ें बाबा, ये बताएं आप किससे मिलने आई? मैं सीमा की दोस्त हूँ, दुबई से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप सीमा की फ्रेंड हैं? अरे भाई कौन है? अरे बाबा, आप इससे बात करें, मैं जा रहा हूँ बाबा। अरे भाई कौन है? अरे इतना हसीन इत्तेफाक और वो भी गेट पे, कौन है मोहतरमा? अब आप कौन है, आधे कपड़ों के मालिक? अब आप आ गई हैं तो पूरे कपड़ों का मालिक हो जाऊंगा। ओहो, लगता है आप नाराज हो गई। वैसे नाराजगी में भी अच्छी लग रही हैं। अच्छा ये बताएं, किससे मिलना है? अब क्या एक एक को बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ, किस लिए आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, किससे मिलने आई हूँ? बात आपकी भी ठीक है, सीमा मैडम से तो नहीं मिलना? जी। अच्छा अच्छा, मैं अंदाजा लगा लिया था मैंने। आइए अंदर आइए, मैं आपको ले जाऊंगा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये एक दिन में मूछे कैसे आ गई? क्या एंग्रो यूरिया से शेव करते हैं बच्चू भाई? अरे नहीं, वो उनके दोस्त आए थे ना, उनसे लेके लगा ली। उनकी भी मूछे डिस्पोजेबल है? नहीं नहीं, वो एक्टर हैं, उनके पास मूछे थी। शुक्र है उनका दोस्त कसाई नहीं है, वरना छुरी भी लेकर मुंह पर लगा देते तो नाक ही कट जाती। एक्टर, उनसे कहना मुझे भी ऐसा हीरोइन ले ले। मैंने तुम दोनों को अपने मसले का हल निकालने के लिए बुलाया कि बच्चों की मूछें कैसे निकालें, और तुम दोनों को अपनी पड़ी हुई है। इसमें कौन सी बड़ी मूछें? क्या मेरा मतलब है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
अच्छा वाकई? हाँ हाँ, कल ही मैंने इस मसले पर टिकटॉक देखा है। हाँ हाँ दिखाओ, फिर मैं मुझे निकालती हूँ जाके। अच्छा दिखाती हूँ, ये देखो। ये मैं देखा, बिल्कुल बिल्कुल। अलाजाई या तो मुझे उठा ले या फिर ये मुझे उठा ले। अलाजाई ये काम करते हैं, मुझे उठाने वाला आइडिया ठीक है, मुझे नहीं उठाना बाबा, वो कैंसिल करते हैं आइडिया। अरे बच्चू भाई, मैं अंदर ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए। वैसे एक बात है, मुंह से अच्छी मुझे निकली है। अरे बाबा अब क्या तरकीब लाए हो बाबा? अरे बच्चू ये क्या तरकीब लेकर आएगा, तरकीब तो मैं लेकर आई हूँ। अच्छा वो क्या? अभी सोशल मीडिया की हिट तरकीब। अरे बाबा इतनी सी बात पे, इतनी सी मूंछों पे मीडिया को लाने की क्या जरूरत है? बच्चू माय गॉड बॉय, सोशल मीडिया की तरकीब है, वो भी टिकटॉक की। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तरकीब थी बाबा बताओ? वीडियो में लड़की ने अपने शौहर की मूंछे हटाने के लिए गोली मार के उड़ा दी थी। अच्छा फिर क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, बस बेचारी थोड़ी सी बेवा हो गई। अरे बच्चू बे 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 नहीं, बे पे ते होता है, आपको तो उर्दू भी नहीं आती। अरे बाबा मुझे नहीं कटवानी मूंछें, मैं मूंछों के साथ ही ठीक हूँ बाबा। अरे नहीं मर्दाना हाल है मेरे पास, ये देखें ये है। ये क्या बाबा? बच्चू अरे बच्चू भाई दुआ करो कि जानी ने बच्चों की मुझे निकाल दियो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानी ने खिड़की से कूद के खुदकुशी कर लियो? पागल हो, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। भला ग्राउंड फ्लोर से बंदा क्या खुदकुशी नहीं कर सकता? नहीं। आई एम सॉरी, हम नहीं बचा पाए। जरीना तुम तो चुप करो। जानी बच्चू कहाँ है? अंदर है। तो क्या मूंछ निकली? मगर मूंछ निकालते निकालते मुझे नींद आ गई। तो मशीन तो मशीन होती। जानी सही से बता हुआ क्या है? ए, मेरा बेचारा था कितना अच्छा था। जरीना तुम तो चुप करो, बताओ जानी। जानी मैं बच्चू भाई के लिए जरा पानी ले आता। अरे मेरा आधा जिंदा है। अरे बच्चू ये क्या हो गया, अब तो आप वाकई में रॉन्ग नंबर लग रहे हैं। देखा, मैं तो पहले ही कहता था रॉन्ग नंबर है ये आदमी। तो बाबा मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, पढ़ के सुना। हाँ हाँ, ये देखो बाबा, गा अलिफ गा वाओ नून गुना गाऊ। तो हिज्जे कर रहे हो भाई। वैसे अदा तुमको उर्दू पढ़ना तो आती नहीं, निकाह नामे पे तुमने क्या लिखा था? अरे बाबा मैंने बस लिखा था आने दो। है? आने दो, ये कैसे दस्तखत है? हाँ बाबा कौन है तुम? वल्ला वल्ला आना शेख अकरम, आना सिद्दीक, सेठ हशमतुन। अरे बाबा हमें अरबी समझ नहीं आती है। अस्तग़फिरुल्लाह। वैसे आप यहाँ करने क्या आए? अरे जी थी ना ये शेख, आना इधर हम आया तुन, फैक्ट्री लगा तुन, बस मर्रा गलत हुआ तुन। क्या हुआ तुन? आना फिटेशन स्टेशन, आना हम बैतुल खला जा तुन, हमारा जमल अंतारी जमल वो गायब तुन। बाहर उठ खड़ेंगे तो गायब तो हुआ तुम। देख रहा है, मैं सब देख रहा है, बोलेगा कुछ नहीं, एकदम से फटेगा। हाँ अब हमेशा मुझे गलत समझते। क्या मतलब है? अब मतलब ये कि वो आपका जो दोस्त है ना, उसके लिए जानी चाय बना रहे। हाजा भाई हाजा, अरबी आया ताजा। ठंडा भाई ठंडा, अरबी बोलने से बाज आ जा। अच्छा बहुत मजाक करा तुम ये। अरे भाई कुछ तो ख्याल करे, शेख साहब घर में आए हुए, क्या सोचेंगे वो? तुम चुप रहो, वो नहीं देख रहा। अरे बाबा देख नहीं रहा लेकिन उसे आवाज तो जा रही होगी ना। तुम लोग ने जो भी करना ना करो, बस मेरा नाम ही आना चाहिए बीच में। जाने दो जाने दो। तुमने हमको नहीं पहचाना, तुम हमने भी जवाब दिया। अरे मैं आपको पहचान गया, आप तो वो ये ना जो सीवीओ पे बच्चों को उठ की सैर कराते, ईद पे तो ज्यादा कमाते होंगे आप। या शेख तुम क्या बोला तुम, हम वो नहीं तुम, हमारा हुआ तुम। इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में